एक कि जो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स की हम बात करते हैं ना, ये बात सेकेंड वर्ल्ड वॉर की है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान आपको पता ही है कि वो जर्मनी में बहुत बड़ा एक ड्रामा चल रहा था, और हिटलर ने पूरी सत्ता हथिया ली थी, और उन्होंने जो है एक आदेश जारी किया कि जिनके पास भी सोना है वो एवरी फॉर्म ऑफ गोल्ड मस्ट बी सरेंडर टू दी नेशन, ताकि वो सोना सब कुछ दे दो ताकि हम उससे लड़ाई लड़ सकें और दुनिया को कुचल सकें। दो वैज्ञानिक थे, एक तो ज्यू थे और शायद वॉन ल्यू या ऐसा नाम था उनका, फिजिक्स के नोबेल प्राइज विनर थे, और एक जो है एक दूसरे वैज्ञानिक थे जो जर्मन ही थे लेकिन वो हिटलर की हरकतों को सपोर्ट नहीं करते थे। तो उनकी अपने जो मेडल्स थे, नोबेल प्राइज में भी एक सिक्का तो मिलता ही है गोल्ड का, तो उनकी इच्छा नहीं हुई कि ये सब उनको दिया जाए। तो उन्होंने अपने किसी संपर्क के थ्रू ये जो नोबल मेडल्स थे ये नील्स बोर को भिजवा दिए। बोर बड़े मशहूर वैज्ञानिक है ना, तो अब कोपेनहेगन में बोर की लैब थी, बोर ने अपने पास रख लिए, लेकिन भाग्य की मार देखो जर्मन सेना सबको रौंदती हुई उसने कोपेनहेगन को भी अपने कब्जे में ले लिया, क्योंकि यूरोपियन के छोटे छोटे कंट्रीज हैं बहुत सारे, सेवन सिस्टर्स टाइप, एक एक करके हिटलर ने सबको जीत लिया था। अब वो फंस गए, क्योंकि दिक्कत ये थी कि जहां से वो मेडल्स आए थे, एक तो वैज्ञानिक खुद जीव थे और दूसरे जो है, अच्छा फिर उनको नोबेल प्राइज विनर या महान वैज्ञानिक से कोई मतलब नहीं था, वो तो पागल सैनिक थे, वो तो किसी को मार देते, किसी को फांसी देते, कोई उनका हिसाब किताब नहीं था। और यहाँ तो सबूत था, उनका नाम लिखा हुआ था नोबेल मेडल्स पर, तो उन्होंने मतलब वो ये नहीं कह सकते थे कि ये हमारा नहीं है, उनका नोबेल मेडल बोर के पास कैसे आ गया, तो उन्होंने भेजे थे। और जर्मन सेना खोजबीन में बड़ी उस्ताद थी कि वो आपने जमीन में गाड़ दिया, कुछ कर दिया तो वो खोज लें। बोर की छक्के छूट गए, उन्होंने अगर ये पकड़े गए मेडल तो ये दोनों वैज्ञानिक तो निश्चित मरेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने पास कैसे भेजे। तब एक केमिस्ट आए, ना केमिस्ट्री इतनी खूबसूरत है हम क्या बताएं, है ना, तो एक मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, यंग केमिस्ट थे, तो वो मतलब जर्मन सेना खोज चुकी थी, कोपेनहेगन में मार्च कर रही थी, अनाउंसमेंट कर रही थी, तो उन्होंने एक्वारेजिया बनाया। एक्वारेजिया कॉन्सेंट्रेटेड एचसीएल और नाइट्रिक एसिड, ये एक्चुअल कहानी है, ये किस्सा नहीं है, दिस इज ट्रुथ, बोर ने डिस्क्राइब किया इंसिडेंट। और उन्होंने जो है वो दोनों नोबल मेडल्स जो है उसमें डाल दिया एक्वारेजी में। पर गोल्ड बहुत अनरिएक्टिव होता है, तो गोल्ड की वो जल्दी, उसको कोई जल्दी तो है नहीं घुलने की, तो कहते हम बैठ के देखते रहे कि कम से कम ऊपर ऐसा इतना तो घुल जाए कि उनके नाम हट जाए कम से कम, लेकिन वो तो रेट ऑफ रिएक्शन तो ऊपर नीचे वाली सरफेस पे सेम ही था, तो नाम तो दिखते रहे दिखते रहे दिखते रहे, फिर अंततः ऐसा आया कि वो मेडल्स क्रम्बल होके घुल गए और खाली एक ऑरेंजिश और अंततः येलो सॉल्यूशन बच गया। लैब में रखा हथियारों ने, जर्मन्स आए, बहुत उछल कूद करी, है ना, बोर का किस्सा मैं फिर कभी सुनाऊंगा, बहुत मजेदार किस्सा है बोर का भी, लेकिन वो बिल्कुल इनोक्यूअसली, बड़ी केमिस्ट्री लैब थी उसमें हजारों सॉल्यूशन रखे थे, तो एक कोने में चुपचाप उन्होंने वो एक्वारेजिया जिसमें दो नोबल मेडल्स घोल रखे थे उन्होंने रख दिया वहां पे। ठीक है, अब सैनिकों को इतनी अकल तो थी नहीं, सब चले गए। फिर उसके बाद वक्त बीता, 2-4 साल बीते, जिनकी जान बची, जब वो लौटे अपनी लैब तो उन्होंने देखा बिल्कुल लैब के एक कोने में वो बोतल जैसी छोड़ गए थे वैसी की वैसी रखी थी, उन्होंने चुपचाप उसको निकाला, उसको रिड्यूस किया, है ना, गोल्ड एज अ मेटल प्रेसिपिटेट हो गया सारा का सारा, और उन्होंने वो मेटल जो प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में था वापस जो स्वीडिश सोसाइटी थी जो नोबेल प्राइज दिया करती थी उसको भेज दिया। फिर 1950 में जाकर सोसाइटी ने, क्योंकि सब कुछ वर्ल्ड वॉर में इधर उधर हो गया था, तहस नहस हो गया था, बहुत कुछ तबाह हो गया था, तो उनको भी वक्त लगा, उन्होंने मेडल्स को दोबारा कास्ट किया। आई थिंक द मेडल वॉज रिप्रेजेंटेड टू द ओरिजिनल लॉरिएट्स इन 1952 और 53। तो ये किस्सा था जब गोल्ड डिजॉल्व्स इन एक्वारेजिया, सिंपल केमिकल रिएक्शन की हम बात करते हैं, वो इस तरीके से एक्चुअली जब वैज्ञानिकों की जान पर बनाई थी और खूंखार और दरिंदी सेना उनको ढूंढ रही थी, उनको बचाने में काम आया था।